भाई आ चुके थे एक और गेम प्ले में फॉरलाइट के यार, यही अगेन कंपैरिजन वीडियो है बीजेमआई और फॉरलाइट का। भाई बीजेमआई इसके सामने कुछ नहीं है, फॉरलाइट नेक्स्ट लेवल पे है भाई। अभी ये गेम ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी है इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अदरवाइज भाई मैं खुद ग्राइंड करके आ रहा हूँ बीजेमआई, मतलब मैं बीजेमआई ग्राइंड करता था, पबजी भी बहुत ग्राइंड करा है। उसके बाद यार इसको खेलने के बाद ना मेरे को लगा कि यार मतलब गेम्स में ना नई नई मॉडिफिकेशन आनी चाहिए। इस गेम में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, नई नई चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। अब इस गेम प्ले में देखोगे आप यार कितनी सारी नई नई गाने। अब ये बंदा मैंने डाउन करा था, देख लो बांग्लादेश का झंडा है, मींस ये एक ग्लोबल गेम है, ठीक है। हैंड प्रूफ भाई, एक ग्लोबल गेम है एक, ओके। यहाँ पे लॉबी आती है, इसमें वियतनाम, बांग्लादेश, मतलब ऐसे दूसरी कंट्रीज से मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, आप खेल सकते हो। और मज़ा आता है यार, जब वॉल चैट पे करोगे या फिर आपकी टीम में भी ज्वाइन होगे ना बंदे, तो यू इंटरेक्ट विद देम और अच्छा लगता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उतरते हैं, हॉट ड्रॉप लेते हो भाई। यहाँ पे अपना करेक्टर होता है मैगी का। मैगी का अगर आपको नहीं पता तो भाई इसके पास डैशिंग की पावर होती है और नेड, इसके बाद ट्रिपल नेड एक साथ निकलते हैं। और भाई यहाँ पे आके ना मैं पूरा हॉट ड्रॉप में इनकी लंका लगा देता हूँ, फुल ऑन फाइट हो रही होती है मेरी। यहाँ पे बंदे बैक टू बैक मेरे पे रश कर रहे होते हैं। ये बंदा जो प्लेयर वाला बंदा होता है, ये इसको मैंने स्टार्टिंग में नॉकडाउन करा होता है, लेकिन इसके अंदर यार जब भी आप मरते हो तो आप वापस से अपना ऑटोमेटिक रिकॉल होती हो विदाउट रिगार्ड कि भाई ये कोई इवेंट में होगा, ये नॉर्मल है इस चीज़ के अंदर। अनटिल एंड अनलेस आप पूरी की पूरी टीम वाइंड अप नहीं करते, आपको आपका टीम में जब तक जिंदा रहेगा आपकी क्रेट में से भी आपको रिवाइव कर सकता है 13 सेकंड के अंदर, पता है आपको। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे बस आपकी पेटी चाहिए, पेटी मतलब प्लेट चाहिए। और यहाँ पे भाई मैं सामने देखो बंदा देख रहे हो जो ऊपर था। अब यह फुटस्टेप ना थोड़ा सा एनालाइज करना टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर फुटस्टेप बिल्कुल पास में आएंगे लेकिन आपको ये एनालाइज नहीं करवाएंगे कि भाई बंदा ऊपर है कि नीचे, वो आपको साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा पास से आ रही है तो मतलब वो आपके आसपास है, थोड़ा दूर आ रही है तो मतलब वो ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा दूर है आपसे। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक और फुटस्टेप आ रहा होता है, मैं एनालाइज करता हूँ, थोड़ा आगे तरफ जाता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस पड़े होते, क्रेट पड़े होते हैं यार, मेरे को लूट भी चाहिए होती है, इतने मेरे को एनालाइज होता है बंदा यार, पीछे से काफ़ी डैमेज करता है। शिजो इसका नाम होता है, शिजो भाई। इतने में इन दोनों की फाइट हो रही होती है तो इसकी टीम भी आ रहती है और एक रैंडम बंदा भी आ रहता है जो उनसे फाइट कर रहा था ऑलरेडी। भाई इसको मैं लेता हूँ। अब ये रैंडम वाला बंदा मेरे को छोड़ के उसको डैमेज दे रहा होता है थॉमस, लेकिन भाई मैं इसको ले लेता हूँ। इसके बाद इसकी टीम के बंदे आते हैं भाई, फिर बाद में अपन निकल के ना वाइंड अप करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है। अब ये देख रहे हो ये बंदा फिर से रिकॉल हुआ है, रैब हुआ है, सिर्फ पेटी में से रैब हुआ है ये बंदा। यहाँ पे मैं पूरा सा एनालाइज करता हूँ, क्योंकि पावर होती है डैश की, तो आप जंप करके, ग्लाइड करके या कुछ भी करके मतलब आपके पास पावर्स हैं, थोड़ा एग्जामिन करना पड़ता है भाई कि लोग कहाँ पर है। अब जब ये डॉक्टर वाला करेक्टर है, इसकी पावर्स काफ़ी अच्छी होती है, जिसको मैं पूरा वाइंड अप कर दे रहा हूँ नोटोरियस भाई। ये थोड़ा सा परेशान करता है, अच्छा प्लेयर होता है। अब इतने में सामने वाले बंदे आते हैं, अब ये वही टीम होती है स्टार्टिंग में जो मैंने मारी होती है, ये आते हैं रश करते हैं अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था भाई, इसकी पूरी टीम आके मेरे को वाइंड अप कर देती है, टाइमर देख रहे हो। मैं वापस ऐसी जगह पर उतरता हूँ उनके फाइट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक मिस हैपनिंग होती है कि भाई लास्ट में देखोगे यहाँ पे मैं काफ़ी सारे वापस इनकी टीम को पूरा का पूरा उतरते ही भाई मैं लूट नहीं करता, यहाँ पर उतरते आप गन मिलते, लेकिन यहाँ मेरे पास शील्ड नहीं होती भाई, शील्ड नहीं है ना। अगेन अगर शील्ड नहीं है मतलब आपके पास वेस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है तो भाई यू आर वेरी वल्नरेबल, मतलब आपको बहुत आराम से आप डैमेज हो सकते हो। और ज़्यादा मल्टीपल डैमेज हो गए तो यार एक प्लेयर को ले भी लोगे ना दूसरा आपको लेके चला जाएगा, दूसरा भी ले लोगे या चार बंदों से आप फाइट है, इट्स अ सोलो वर्सेस स्क्वाड। इतने में मैं यहाँ पे एनालाइज करता हूँ यार, काफ़ी सारे बंदे हैं, ठीक है, आसपास लूट वगैरह की देखता हूँ, लेकिन ना भाई मेरे को फुटस्टेप आ रहे हैं, जो बंदा मैंने नॉक करा होता है ना, एक मैंने शॉटगन रख लेता हूँ कि भाई अगर अब मेरे पर रश होगा ही होगा, क्योंकि मैंने एक बंदा को वाइंड अप करा है इनके, ये मेरे पर रश करेंगे तो मैं रेडी रहता हूँ और एनालाइज करता हूँ कि बंदे नीचे आ चुके होते हैं। और फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा मूवमेंट करनी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बैक की तरफ जाता हूँ, थोड़ा राइट लेफ्ट जाता हूँ, और जो भी सामान मिलता है मेरे को, जो पहले मैंने एनिमी थे यहाँ पर टेक डाउन करे होते हैं उनकी केस में सामान लूटता हूँ। और भाई फिर दोबारा मैंने फाइट करा, अब देख रहे हो यहाँ पे ना अलग अलग बंदे, यहाँ पे और भी टीम आ चुकी है भाई, ये पता नहीं कौन सी पावर किसने क्या छोड़ी है। मैं थोड़ा अंदर की तरफ आ गया कवर में, क्योंकि उसका पता नहीं है। इतने में यहाँ ये वाला बंदा ना मेरे को ले जाता है, शॉटगन होती है इसके पास यार, शॉटगन का बहुत गंदा डैमेज होता है, अब वेस्ट नहीं होती तो यहाँ वाइंड अप होता है। अच्छा लगा था, लाइक सब्सक्राइब शेयर।